माया मैं क्या करता, मेरा किसी भी तरीके से तुमसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। ऐसे में मैंने जब फरिया को तुम्हारे अब्बा के घर से निकलते हुए देखा तो मैं रह ना सका। मैंने उसको रोका और तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा सलमान, फरिया तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, सीधा मेरे पास ले आएगी या फिर मुझसे आके ये कहेगी कि मुबारक हो सलमान वापस आ गया है? उफ, क्या कहूं मैं तुमको सलमान। माया रिलैक्स, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, लेकिन तुम्हें मेरी भी फीलिंग्स को समझना होगा। मेरे लिए तुम्हें देखना और तुमसे मिलना इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। और जहां तक बात फरिया की है तो फरिया तो एक बिल्कुल सीधी सादी मासूम सी लड़की है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उस सीधी सादी लड़की ने मुझे खौफ ज़दा करके रख दिया है। साफ साफ कह दिया कि अगर मैं तुमसे दोबारा मिली तो वो हमारे बारे में सबको बता दूंगी। जलील करके रख दिया मुझे। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। अगर उसने किसी को कुछ कह भी दिया तो मैं संभाल लूंगा। तो फिक्र क्यों करती हो? बहुत टेंशन में थी मैं फरिया की बातों से, इसलिए तुमसे बात करने आ गई, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे मिलने का। ऐसा मत कहो माया, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? तुम मेरी मोहब्बत को कैसे भूल सकती हो? हमारी बदकिस्मती ही ये थी कि हम अपने रिश्ते को ना बचा सके, लेकिन अब हमारी मोहब्बत और भी ज्यादा गहरी और कभी ना खत्म होने वाली है। माया, तुम कल आओगी ना मुझसे मिलने? तुम देखो, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ वापस आया हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास ही हो सके कम अज कम। तुम आओगी ना? कल का वादा नहीं कर सकती सलमान। कल अब्बा ने मुझे और जुनैद को खाने पे बुलाया, वहां जाऊंगी मैं कल। ठीक है, तुम बेशक कल ना आना, लेकिन जो ज्वेलरी मैंने तुम्हें दी है वो जरूर पहनना। तुम मेरी मोहब्बत को कैसे भूल सकती हो? लेकिन अब हमारी मोहब्बत और भी ज्यादा गहरी और कभी ना खत्म होने वाली है। तुम कल आओगी ना मुझसे मिलने? तुम देखो, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ वापस आया हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास ही हो सके कम अज कम। तुम आओगी ना? क्या बात है, नींद नहीं आ रही? हाँ, अभी वक्त ही कितना हुआ है। जुनैद, कल अम्मी ने हमें खाने पर बुलाया, भूल मत जाइएगा। हाँ, मुझे शाम में रिमाइंड कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि वक्त पे पहुंचूं। कल मैं अम्मी क्या क्या पहनूं? देख लो, पूरी वार्डरोब भरी है तुम्हारी, जो दिल करता पहन लो। फिर भी मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हूँ, बताए ना जुनैद। माया, मेरे ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मेरे पास उन फजूल बातों का वक्त नहीं है। आपको मेरी बातें फजूल लग रही हैं जुनैद? और ये जो रोज काम घर पे ले आते हैं, ज्यादती नहीं है मेरे साथ? आपके पास मेरे लिए वक्त है भी या नहीं? मेरे पास इस वक्त लड़ने का भी वक्त नहीं है, मैं स्टडी में जाके काम कर लेता हूँ यार। फरिया जी, पता नहीं कैसे भूल गया आज मैं सारी चीजें। अच्छा सुने, आज ऑफिस से आते हुए आप पाइनएप्पल केक जरूर लेते आइएगा, बड़े अब्बा को बहुत पसंद है। और प्लीज कोशिश कीजिएगा जल्दी आ जाएं आप, मुझे बड़े अब्बा के साथ ज्यादा देर तक बैठना। तो तुम एक काम करो, स्कूल से जब तुम्हारी छुट्टी हो तो तुम बड़े अब्बा के यहाँ चले जाना, मैं ऑफिस से फ्री होकर आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों साथ ही चलेंगे, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा ना अगर हम साथ जाएंगे। ओके, जो तुम्हारा हुक्म। इतने फरमाबरदार कब से हो गए आप? फरमाबरदार तो मैं हमेशा से हूँ।
यकीन नहीं आता, आजमा कर देख लो, मायूस नहीं होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। आपको पता है कभी कभार मुझे बहुत डर लगता है कि डर किस बात से? गाड़ी आ गई मेरी, खुदा हाफिज। फरिया बात तो पूरी बताओ। खुदा हाफिज। अरे किस, कौन सा डर फरिया? अम्मार। हाँ बोलो मैं। ये जुनैद के ऑफिस चला गया है? हाँ भाई ऑफिस चले गए। सुबह जल्दी जाने लगे हैं, रात को देर से आते हैं। ऑफिस में काम का काफी लोड है, जुनैद भाई को फुर्सत नहीं बिल्कुल भी। कोई और बात? नहीं। बार फोन मत किया करो सलमान, बार बार मना करती, आखिर तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? माया प्लीज मुझे ना रोको, मैं किसी भी पल तुम्हारे ख्याल से बाहर नहीं आ पाता। तुम क्यों भूल जाती हो कि मैंने कितने बरसों तुम्हारा इंतजार किया था? तुम्हें मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। लेकिन अब हालात बदल गए हैं सलमान, मैं नहीं चाहती कि जुनैद को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले। अगर उसको जरा भी शक हुआ तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। तो जुनैद कौन सा तुम्हारे साथ आके बैठ गया है? उसके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो तुमसे लड़ सके माया। उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो अपना सारा टाइम बिजनेस को देता है। सुनो माया, तुम परेशान मत हो। और फरिया, उसे क्यों भूल जाते हो सलमान? वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है। कभी भी वक्त देख के अम्मार या जुनैद को कुछ भी कह देगी, बस मुझे जलील करने का तो उसको मौका चाहिए। माया फरिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात क्यों भूल रही हो? जब मेरे और तुम्हारे दरमियान तल्खियां बढ़ रही थी तो उसी ने इन तल्खियों को कम किया था। अगर वो उस लम्हे हमारे साथ होती तो यकीन करो माया, आज मैं और तुम साथ होते, वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फरिया की ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है सलमान, बहुत जलील किया उसने मुझे तुम्हारी वजह से, और मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी उससे। तुम उसी तरह जिद्दी और जज्बाती हो माया, अब तो खुद को बदल डालो तुम। मैं तैयार होने जा रही हूँ, रात को दावत पे जाना, फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा सुनो, वो ज्वेलरी आज जरूर पहनना, वादा करो पहनोगी ना? पहन लूंगी।